अच्छा चल आ जा रसोई में आ जा फिर कुछ देखो, तेरे को ही करना पड़ेगा काम। ठीक है आप बता देना कर लूंगी मैं। ओ अम्मा आप हो क्या, क्या बना रहे हो? मुझे बहुत भूख लगी है कुछ खाने की। अच्छा अच्छा हो गया तुम बोले, क्योंकि आज है ना थोड़ा ज्यादा मैं अंडा लाया, तुम अंडा खा सकते है ना? हाँ। आज मैं फ्रेंच टोस्ट बना के देगा तुम। वो क्या होता है फ्रेंच टोस्ट? फ्रेंच टोस्ट भी मालूम नहीं है? नहीं कभी खाया ही नहीं मैंने। अच्छा वो दिस इज अ वेरी इजी रेसिपी। ओके सो आई विल टेल यू हाउ टू मेक फ्रेंच रेसिपी, सो यू कैन लर्न आल्सो, यू कैन टेस्ट आल्सो। ओके ओके हम लोग शुरू करेगा। उसके लिए ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है अभी। उसके लिए दो ब्रेड चाहिए, एक अंडा, फिर थोड़ा शुगर, चीनी और ये इसको नटमेग बोलते हैं, नटमेग जायफल। इसका है ना एक्चुअली इसका ये सीड है ना, सीड खोल के उसका अंदर एक नट होते उसका ऐसा कूटने का, कूट ऐसा इसमें डाल के ऐसा कूटेगा तो देखो ऐसा पाउडर जैसा आता है। इसका पाउडर बनाना है? हाँ पाउडर, क्योंकि इसका क्या है अंडा का स्मेल थोड़ा नहीं मालूम होने का, कोई नहीं क्या है ना ये वैनिला एसेंस भी डाल सकते हैं, इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये नटमेग अच्छा लगता है, इसका अच्छा खुशबू आता है। ठीक है आप बनाओ खिलाओ देखती हूं। अच्छा कैसा अभी मैं क्या बनाते हैं अभी उसके लिए है ना क्या करने का, एक अच्छा ये निकाल के थोड़ा साइड में रखो, अभी उसका हमारा अभी एक ही अंडा का जरूरत है ना डालने का। अंडा तोड़ने का आता है? हाँ। एकदम ऐसा करेगा देखो, अंडा तोड़ना आता है कि नहीं? अरे बाप रे, ये सब हमारा शॉर्टकट है। फिर ये जरा वेस्ट बुक में, अच्छा इसमें क्या करने का, ये नटमेग हम लोग किया ना वो इसमें डालो, नटमेग डालो थोड़ा सा डालना है ना, थोड़ा वो ज्यादा है तो फिर उसका फ्लेवर भी है ना उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। और क्या करने का, थोड़ा चीनी, चीनी का क्या है ना पाउडर करके डालने का, आज मैं पाउडर नहीं किया, वो भी जो देसी चीनी आती है वो भी, कोई भी चीनी, लेकिन क्या है ना ये तुमको ज्यादा मीठा चाहिए तो ज्यादा डालो। हाँ? अपने स्वाद के, अपने स्वाद, किसी किसी को ज्यादा, मैं अभी एक ही चम्मच डाला क्योंकि ज्यादा मीठा किसी को पसंद है इसके लिए। फिर क्या करने का, थोड़ा हमारा दूध है ना, थोड़ा सा दूध, वो भी कितना दूध डालने का, ऐसा कितना हम लोग को ब्रेड है उसका अनुसार, अभी हम अभी मैं आज खाली दो ही ब्रेड का बनाते, इसके लिए थोड़ा इतना सा बस। ठीक है सोक के लिए, सोक करने का, फिर उसका करना अच्छा से बीट करने का। अच्छा बीट करो, बीट करो, तब तक ये काम करेगा, मैं स्टोव चालू करूंगा। मैं तो ये पहली बार अच्छा से पहले बार कर, लेकिन बीटिंग का भी एक तरीका होता है ऐसा साइड का ऐसा पकड़ के ऐसा 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 फोर्क से भी एक बीट रहे तो उसमें से करो, क्योंकि ये एकदम अच्छा से जो से, क्योंकि उसका शुगर इसके लिए मैं बोला शुगर पाउडर डालने का है, हम लोग इसमें मिक्स हो जाएंगे। हाँ इसके लिए अभी क्या करने का, हमारा स्टोव चालू करने का इजी है अभी, बहुत ये 2 मिनट का। तुम बोलेगा अम्मा इतना ईजी ऐसा पूछेगा, अभी ऑलरेडी इसका वो शक्कर सब है ना मिक्स मिला, मिक्स हो गया। अभी क्या करने का, ये भी थोड़ा ये भी गर्म होने का, बटर डालने के बाद नहीं, पहले ये गरम होने के बाद बटर डालने का, बटर कब तक है ना ये ऐसा करके ऐसा डुबो के, ज्यादा डुबाने का भी जरूरत नहीं है, ये सोख ले जस्ट ऐसा सोख करके हो गया हो गया। अभी क्या करना है, अभी वो है ना उसका थोड़ा मेन दिखाते है, अभी दूसरे पहले सोख करके मत रखो, फिर ऐसा उसका उल्टा करने का, इसका इधर है ना थोड़ा कैरमलाइज जैसा कलर आएगा तब तक, फिर है ना हो गया फ्रेंच टोस्ट। ये इतना बड़ा काम भी नहीं, देखो देखो कलर थोड़ा चेंज होता है ना थोड़ा ब्राउन कैरमलाइज, पता कैसे चला गया कि ये अभी देखो देखो अभी पक, देखो इसका कलर है ना थोड़ा ब्राउनिश ब्राउनिश होएगा, ब्रेड टोस्ट करते है ना ऐसा अभी ऐसा, अभी देखो हम लोग का भी दो मेन दिखाने के लिए, नहीं तो कि तुमको अपना एक उसका अनुसार है लेने का, ज्यादा ब्रेड है तो ज्यादा लेने का क्वांटिटी भी उसका अनुसार, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है थोड़ा देखो कलर देखो कैसे चेंज हो गया,
फिर ऐसा गरम गरम खाने का, नहीं तो बच्चे लोग का स्कूल भेजने के टाइम है ना ऐसा इसको स्टोर कर सकते हैं क्या? हाँ, ये खराब नहीं होता है, कल भी ये एकदम सॉफ्ट है ना, देखो ऐसा दोनों साइड ऐसा होने का, वो एकदम फ्लेवर भी होते है अच्छा, बटर का जायफल का सब फ्लेवर भी पकड़ के बहुत टेस्टी होते है। अभी अभी ऐसा ही अभी सीखा ना, अभी एक तुम करो अभी ऐसा कैसा ब्रेड सो करने के बाद उसका मैं पहली बार सीख रही हूँ। हाँ, पूरा पूरा डिप होने का, हाँ दोनों साइड अच्छा से डिप होने का। अभी मतलब ये इसमें भिगोना है अच्छे से ना? बस बस डालो भिगो के और डालो, टूटने का नहीं, टूटने का नहीं है। अच्छा टूटते ही तो गड़बड़ हो गया। हां फिर है ना उसका हमारा है ना, मेरे को आता नहीं है। नहीं लेकिन ये अभी फर्स्ट टाइम है ना, अभी थोड़ा बटर डालो ऊपर, थोड़ा सा बटर, हाँ स्टाउ थोड़ा धीमी आग में रख के ऊपर डाल दो, नहीं ऐसा डालो, अच्छा सेकना इसको पराठे, हाँ ऐसा ऐसा ये ना मम्मा देखो मैं, हाँ यही बोलते है ना एक्सपीरियंस बोलते हैं इसको। अभी ये तो सीख रही हूँ, नेक्स्ट टाइम भी खिलाऊंगे अगर, लेकिन बिल्कुल देखो अभी ये तो सुमित्रा बनाया थोड़ा टूट गया, नो प्रॉब्लम है हम लोग का खाने के लिए। और डालना पड़ेगा इसको घी में सेक सकते हैं ना, पराठे की तरह सेकना है ऐसा भी हो गया, उसका भी ज्यादा डालने का घी का जरूरत, वो धीमी आंच पे सेकना है। हां धीमी, अभी नहीं तो क्या होता है काला होता है एक्चुअली ना, थोड़ा किसी देखो किसी किसी को थोड़ा भी Now tell me how is the toast? This is now I used to give to my children no for their tiffin when my son was no. It is very easy. Easy and little cake type cake smell also no, that under the smell bhi nahi hai. How it is? What I am going to say is really good. Really, you like this? What is this? The French toast. Wow. फ्राई होके नहीं आएगा ना वैसे फ्राई ना, अभी देखो ज्यादा उसका जरूरत नहीं है, तेल में फ्राई करे तो क्या ना ज्यादा तेल उसकी स्मेल आती है, लेकिन मटर वो गिवे मेक श्योर यू गो टू नॉर्मल एंड बाय द न्यू स्कल्पचर कॉल्ड द बर्ड शर्पर, कुछ भी डाल सो यू ब्लो इट हियर एंड देन अभी मेन तो नहीं है, एक डिश है ना अभी उसको ऐसा ब्रेड में कितना अंडा में कितना बना सकते हैं, बट डू इट जेंटली, you can also drink water from it. Sumitra, मुझे किसी को कुछ भी डिश बना के खिलाने में बहुत इंटरेस्ट होता है, और आप लोग ने उसको तारीफ किया ना वो ही मेरा अवार्ड है। थैंक यू सुमित्रा फॉर योर अप्रिसिएशन। मम्मा मैं खिलाऊंगी। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू।